मैं कोई ऐसी हमें फतह और शिकस्त वाली बात नहीं बनानी चाहिए और मैं अच्छी बात है कि ये है ना ये बहुत पुरमन तरीके से ये मामला हल हो चुका है यासर हसन फैसल हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताजर रहनुमा हैं आप क्या कहना चाहेंगे शुक्रिया मलिक वकास साहब सबसे पहले मैं अंजुमन ताजान और मर्जी क्या नाम है लियाकत हुसैन मुगल एडवोकेट साहब साहबजादा फरत हुसैन काजमी साहब मल जफर साहब और राजा रहीम साहब जमीन मनास साहब इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि शहर के एक ताजर के लिए वो तीन दिन से मुकम्मल रोड पे और जनाब एक दिन मुकम्मल शटर डाउन और उसके बाद करते हुए आज तहरीक इस पॉइंट पे आके पहुंची कि इंतजामिया को बिल आखिर हमारे जो हमारा मुतालबा था कि कोई हमने जमानत नहीं करानी और जैसे साहबजादा फरद काजमी मजहर काजमी साहब ने कहा कि अभी मलिक साहब का भी हमने भरम रखना था कि किसी सूरत आज इंतजामिया ने हमारे साथ डायलाग किए और उसके बाद अभी मलिक साहब को रिहा किया ये मेरे ख्याल में अंजुमन ताजरान की और मुतहदा एक्शन कमेटी की बहुत बड़ी कामयाबी है और मुतहदा एक्शन कमेटी और अंजुमन ताजरान को मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ जैसे कि अभी मलिक साहब से हमारे पॉलिटिकल आपको पता है कि वो पीटीआई से और हम नून लीग से किसी भी फोरम पे हम इकट्ठे तो नहीं हो सकते लेकिन इस शहर के हवाले से और अंजुमन ताजरान के हवाले से हम एक हैं और इसके लिए कोई डिवाइड नहीं हो सकते कि कम अज़ कम कोई ये कहे कि पीटीआई का वो बंदा है या जिस तरह भी है हमने इस शहर के अमन को बरकरार रखने के लिए इंतजामिया से भी आइंदा इंशाल्लाह तआवुन करेंगे बहुत शुक्रिया